Yeah, i7 processor, processor. Hello guys and once again welcome back to my channel. So आज का ये जो वीडियो होने वाला है ना, आपको टाइटल और थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा. So अभी कैसे, अभी हम लोग डे बाय डे इम्प्रूव हो रहे हैं. यहाँ पे भी कैमरा शूट हो रहा है, यहाँ पे भी कैमरा अपने को शूट कर रहा है, बट इधर वाले कैमरे का थोड़ा फोकस का इशू है. हाँ ठीक है. मैकबुक का जो मैं डिलीवरी करने गया था, मैं एक्चुअली अकेले ही गया था, बट मैं सोचा कि घर से निकलने का व्लॉग पूरा एंड तक बनाऊँ, सोचा मैंने. बट क्या होता है ना, हम लोग ट्रेन से ट्रैवल किया और मेरे को बोरीवली में क्लाइंट के साथ मीटिंग था. ऑलमोस्ट 2 घंटा पकड़ लो गया मेरे को उधर ना, एग्जॉस्टेड हो गया, जूस पिया था, फिर बाद में मैं शॉप पे गया और वहां पे मेरे ताकत ही नहीं बची थी जाके मैं व्लॉग करूँ. बट मैंने जाते समय कुछ फुटेजेस, मतलब जाने के डिलीवरी के, जैसे मैंने ड्रोन का भी डिलीवरी का वीडियो बनाया था, तो हर टाइम मैं कुछ ना कुछ वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने सोचा कि भाई इतनी एक्सपेंसिव चीज लेने जा रहे, डिलीवरी का वीडियो क्यों ना बनाए. तो ऐसा भी मैंने सोचा. फिर ड्रोन का बनाया था तो मैंने सोचा इसका भी बना लेते. जाते समय का मैंने कुछ फुटेज है, आई होप आपको वो पसंद आएगा. तो चलो देखते हैं अभी हम लोग कैसे डिलीवरी करने गए थे, डिलीवरी लेने करने कैसे, डिले थोड़ी ना यार, ये ऐसा होता है व्लॉग रेगुलर नहीं डालेंगे तो. एंजॉय द वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आना ही चाहिए. तो इसके बारे में पहले देखते कि हम लोग कैसा गए, फिर बाद में इन शॉर्ट में देख लो, फिर बाद में आके वापस हम लोग बातें करते हैं. ठीक है, चलो जाके देखो. नेक्स्ट डे. सो या अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे, तो देख सकते हैं मैकबुक एयर हमारा लैपटॉप. देखो इतना हल्का है एयर, बाय द वे इसके अंदर लैपटॉप नहीं है, ये बस दिखाने के लिए ऐसा कर रहा था. सो एक्चुअली अनबॉक्सिंग उधर ही हो चुकी थी, तो मैं लैपटॉप इधर है मेरा, आपको दिखाना चाहता हूँ. या फाइनली ये देखो, रेड अलग लग रहा है, इधर थोड़ा अलग लग रहा है. और हाँ, ये थोड़ा पील ऑफ आपको लगेगा क्योंकि इसको लगता है 48 आवर्स सूखने को. अपने को क्या घाई रहती है वीडियो बनाने की, पहला दिखाना है आपको. या फाइनली अपने पास मैकबुक आ चुका है. इट्स लाइक बहुत मेहनत करनी पड़ी. इसका एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, स्टोरी मतलब ज्यादा पकाना नहीं है मेरे को, बस एक छोटा सा बताना है. गाइस जब भी मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, मेरे को मालूम है मैं कौन से फेजेस से गुजरा हूँ. मेरे को अच्छा याद है जब भी मैंने चैनल स्टार्ट किया था, मेरा पहला वीडियो जो था मैंने रिकॉर्ड किया था आईफोन में. अभी भी ये जो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं आईफोन में ही हो रही है. मेरा पहले फायर्स था, तो पहले फायर्स पर मैंने शूट करता था और फिल्मोरा से वीडियो एडिटिंग स्टार्ट की थी. फिर वाइवा वीडियो करके एक है, ऐसे मैंने ऐप्स लिए थे. फिर बाद में मेरे को बहुत, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मैं ऐसे सिचुएशन से मतलब एडिटिंग किया हूँ ना, एडिटिंग मेरे को इतना टफ पड़ता था, बट मेरे पास तभी ऑप्शन नहीं था. बट एक रहता है, वही टाइम पे आप लोगे ना, तो आपको वो जो चीज आप खरीदोगे ना, ये जो महंगी चीज, आपको इसकी बाद में वैल्यू नहीं पता चलेगी. तो मेरे को मालूम है मैंने 2 साल यूट्यूब पे कैसे वीडियो एडिट किया, आई मूवीज में मैं एडिट करता था, फिर भी मेरी जो एडिटिंग आप देखोगे 1 साल पहले के व्लॉग्स. बीट्स पे मेरे को खेलने को बहुत पसंद है, इसके लिए मैं बीट्स पे तभी भी खेलता था. सोचो फोन पे एडिट करने में भी मैं बीट्स पे खेलने को देखता था. तो मैंने बोला कि यार अभी अपने को इम्प्रूव करना है थोड़ा. फिर बाद में हमने लिया ड्रोन लिया, फिर बाद में धीरे धीरे ऐसी कुछ चीजें ली है जो हमारे चैनल को थोड़ा ग्रोथ लगे. ऐसा मतलब फील होता है कि आपने किधर से स्टार्ट किया, तो आज हम लोग को जो जगह पे पहुंचे हैं वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए. तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप स्टार्टिंग में ही अच्छे अच्छे लैपटॉप्स, जो भी यूट्यूबर्स बनना चाहता है, अभी स्टार्टिंग में बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं 300-400 सब्सक्राइबर्स नहीं होते, उन लोगों का DSLR आ जाता है, अच्छा खासा एक सेटअप आ जाता है. फिर बाद में ऐसा हो जाता है कि अरे यार मेरे को व्यूज नहीं आ रहे, फिर बंदा डिमोटिवेट होने लगता है, फिर वो बोलता है कि मतलब रिग्रेट फील होता है, अरे मैंने 50,000 का लैपटॉप लिया, मैंने 1 लाख का लैपटॉप लिया. लोगों के पास 1-1 लाख के लैपटॉप होके भी उन लोग कुछ नहीं कर पाते. तो एक काम करो ना, स्टार्टिंग से आपके पास फोन है, फोन पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, फोन पे एडिट करो, फिर आपको लग रहा है कि हाँ अभी इंप्रूवमेंट की गरज है अपने को, भाई तो आप ले. मतलब एक लगता है कि पहले हम लोग करते थे यूज फिल्मोरा, फिर आए हम वाइवा वीडियो, फिर आए आई मूवीज पे, फिर बाद में हमने प्रीमियर प्रो स्टार्ट किया. बट प्रीमियर प्रो इज लाइक ग्रेट, बट कैसा है ना, एप्पल के लिए इज बेस्ट FCP, फाइनल कट प्रो, जिसमें मोस्ट ऑफ द हॉलीवुड के मोस्ट ऑफ द मूवीज उसमें एडिट होते हैं. सो फाइनल कट प्रो इज द बेस्ट ऑप्शन. तो अभी मैं फाइनल कट प्रो ही यूज कर रहा हूँ, और कौन सा ऐप नहीं यूज कर रहा हूँ, ताकि पूरा अपना फोकस रहे फाइनल कट प्रो पे, और बस फाइनल कट प्रो ही अभी हमारा साथी है. अभी मेरे को तो बहुत कुछ सीखना है, मैं 0.1% भी नहीं सीखा हूँ, अभी सीखूंगा धीरे धीरे. बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ अच्छी क्रिएटिविटी दिखाना है एडिटिंग के थ्रू एंड ऑल, शूटिंग स्किल्स के थ्रू एंड ऑल, सब अपने को अभी धीरे धीरे ही करना है. सब फटक से आपको नहीं मिलने वाला है, सो ये एक मायने भी रखना, आपको जो भी मिलने वाला है धीरे धीरे ही स्लो एंड स्टेडी करके ही जाना है. ठीक है, अभी आते हैं सबसे मेन क्वेश्चन कि ये जो हमने मैकबुक जो लिया है, इससे लिया यूट्यूब मनी? हाँ, यूट्यूब मनी
माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अर्निंग तो होती है बट यूट्यूब क्या करता है, पेमेंट आने को बहुत देर लगाता है। जो भी यूट्यूबर ये वीडियो देख रहा है, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? हम लोग का एक रहता है $100 थ्रेशोल्ड रहता है, अगर आपको सेव करना है आप सेव कर सकते हो, कोई बात नहीं। यूट्यूब मनी अब तक आ रही है, आने तक तो हमें इतना रुक नहीं सकते। तो इसके लिए मैंने सोचा कि सेविंग्स किया हुआ है, जो भी पैसा है अपने को उससे अभी लेना ही पड़ेगा। यूट्यूब अगर आप देख रहे हो जल्दी भेजो, फेब्रुवरी भी आ रहा है, यू नो व्हाट आई मीन। चलो वो एक जोक था, बाकी कुछ नहीं। तो YouTube मनी से तो नहीं लिया है, आपको अगर लगता रहेगा तो YouTube मनी से लिया है, तो YouTube मनी से नहीं लिया है, ये हार्डवर्क के मनी से लिया है, इतना बोल सकते हो। जो हमने मेहनत की थी इन द पास्ट एंड ऑल एवरीथिंग, ये उसी पैसे से लिया गया है। ठीक है, ऐसा एंगल नीचे कर लेते हैं। इसका अनबॉक्सिंग वहाँ पर ही हो गया था, तो इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये मेरा बिल है और ये कुछ मैनुअल्स, कल का थोड़ा डॉक्यूमेंट्री एंड ऑल। हेलो हेलो बोल रहा है, हेलो 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 आपको भी। तो इसके अंदर ये कुछ चीज़ें मिलती है, ये कभी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, बट अपने को ये चीज़ मायने बहुत रखती है, एप्पल स्टिकर्स। ये जो चीज़ है अपने को बहुत यूज़फुल आई है। तो इसके अंदर ये, अरे यार ये जो कौन पढ़ता है यार, हम लोग यूट्यूबर है, हम लोग को ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आता है, इसमें आपको आएगा चार्जर भी आता है, बट मैं चार्जर अभी मेरे दूसरे रूम में है, तो इसको अभी हम लोग रखते हैं साइड में। इसको स्पेसिफिकेशन भी आपको बता देता हूँ, एक सेकंड, मेरे को इसके स्पेसिफिकेशन मालूम है, एक सेकंड। तो ये मैकबुक एयर है, ऐसा वाला है वो भी बताता हूँ। 2018 i7 प्रोसेसर, ठीक है, ये i7 प्रोसेसर है। मैकबुक एयर जो है दो प्रोसेसर में आता है, एक i5 आता है और एक i7 आता है। ये i7 प्रोसेसर i7 प्रोसेसर 2.20 GHz turbo boost up to 3.20 GHz 8GB DDR3 RAM इसमें, very fast 160 MHz 128GB का SSD यहाँ पे हम मार खाते हैं, बट कोई नहीं, हमारे पास हार्ड डिस्क है, हम हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इसका एक SSD आपको बढ़ाना है तो 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है, 10,000 में दो हार्ड डिस्क आ जाएंगे इसके लिए, वो भी 1TB के। थोड़ा दिमाग से भी खेलना पड़ता है अगर आप एप्पल प्रोडक्ट्स लेते हो तो। हम लोग ने लगा के लिया है, तो ये देखो लेदर वाला कवर डलवा के लिया है, इट्स लाइक प्योर लेदर। सो ये डलवा के लिए, और रेड इज माई फेवरेट कलर, इसके लिए मैं रेड के लिए गया था। कवर है 1500 अपसाइड, 1500 डाउन साइड, तो ऑलमोस्ट 3000 में मेरे को। कैमरे का थोड़ा फोकस का इशू है, हाँ ठीक है। कवर पड़ा, फाइनली हमारे चैनल पे अभी एक और एक एप्पल की अनबॉक्सिंग हुई है। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एक शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, स्टे पॉजिटिव, बाय।